हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है और आज का ब्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ा के उठ के नाश्ता कर ली हूँ और अभी देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ छत पे इंट्रो शूट करने। एक्चुअली मैं रांची से जब से आई हूँ मैं एक बार भी काकी माँ के घर नहीं गई हूँ, मतलब रीतम के घर। तो इसलिए मैं सोची क्यों ना आज मैं जाऊँ और आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं निकलने वाली हूँ, स्कूटी से ही जाऊँगी। तो चलिए फैमिली, ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो देखिए फैमिली, मैं आ गई हूँ रीतम के घर और आते वक्त मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा एक घटिया प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली मेरा स्कूटी, मतलब मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए बैटरी डाउन हो गया था, स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, ना सेल्फ स्टार्ट लिया ना किक स्टार्ट लिया। तो फिर मैं बहुत कोशिश की, उसके बाद नहीं हुआ स्टार्ट, तो इसलिए मैं साइकिल से आ रही थी। तो उसी टाइम काकू हम लोग के उधर ही जा रहे थे, मतलब रीतम के पापा। तो फिर मैं उनके साथ बाइक में आई और आते आते तो बहुत लेट हो गया है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। अभी देखिए मैं सीधा आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे देखिए काकी माँ बना रहे हैं मछली। ये मछली देख के आप लोगों को तो पता चल गया होगा ये कौन सा मछली है। जी हाँ, ये है इलिश मछली। तो आज घर में बन रहा है इलिश माच और ये इलिश मछली काकी माँ बनाएंगे सोर से और पोस्तो देकर। तो मुझे तो ज्यादा नहीं आता है इलिश माच बनाना, मैं कभी बनाई भी नहीं हूँ। तो चलिए मैं तो हमेशा खुद का ही रेसिपी दिखाती हूँ, तो आज मैं काकी माँ का रेसिपी दिखाती हूँ आप लोग को। स्टार्टिंग में जैसे कि देखिए काकी माँ ने अच्छे से फ्राई कर लिए थे सारा मछली। अब देखिए उसी ऑयल में दे देना है हरा मिर्ची, जीरा और साथ में टमाटर। सब कुछ अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद उसमें दे देना है एक मसाला का पेस्ट, जिसमें है हल्दी पाउडर, सोरसे और पोस्तो। सारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद उसमें दे देना है पानी और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद दे देंगे फ्राई किया हुआ मछली और अच्छे से बॉईल आने तक वेट करेंगे। जब बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम दे देना है मछली का तेल। जो भाजा मछली हम लोग किए थे उसी टाइम मछली का तेल काकी माँ थोड़ा सा उठा कर रखे थे। तो थोड़ा सा मछली का तेल देखिए अभी हम लोग सब्जी में दिए और थोड़ा सा मछली का तेल अभी बचा के रखे है, वो क्या काम आएगा मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए बन गया है इलिश माछ और अभी देखिए मैं अपना कारनामा थोड़ा सा दिखा रही थी। एक्चुअली मैं घर में भी ऐसे ही करती हूँ, जब मम्मी कुछ खाना बनाते हैं घर में तो मैं किचन में जाके ऐसे ही मम्मी को परेशान करती हूँ। तो देखिए काकी माँ अभी अभी मुझे काम देकर गए है, ये मछली का सब्जी को कढ़ाई से थाली में निकाल कर जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रखने के लिए बोले हैं। तो चलिए रख देते हैं और क्या क्या सब्जी बना है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो जहाँ पे मैं सब्जी रख रही हूँ इसको बोलते हैं मीट केस और सभी बंगाली लोग इसमें ही सब्जी रखते हैं, खाना रखते हैं, हम लोग को छोड़ के, क्योंकि हम लोग ऐसे यूज नहीं करते और हम लोग के घर में है भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए काकी माँ ऑलरेडी पुई साग का सब्जी बनाकर रख दिए है जो कि बहुत ही यमी होता है। मेरा तो पुई साग ऐसे भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, लेकिन काकी माँ का हाथ का बना हुआ और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। मछली तो बन गया है और साथ में चिकन भी बनने वाला है, तो इसलिए सोची क्यों ना मैं ही बना देती हूँ। तो चलिए फैमिली, इधर तो चिकन बन रहा है, तब तक मैं आप लोग को एक बात शेयर करती हूँ। मैं जो ये काकी माँ बोलती हूँ आप लोग को तो पता ही होगा ये मेरी सासू माँ है। तो सासू माँ को मम्मी नहीं बोलकर मैं काकी माँ बोलती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ता है। और मैं मौसी और पुआ को मासी मुनी पीसी मुनी बोलती हूँ, इसलिए सब बोलते हैं मामूनी बोलने के लिए, और मैं सामने से बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आता है, ऑड फील होता है। तो चलिए मैं आप लोग से बातें करते हुए शुरुआत करती हूँ ताकि मेरा हैबिट हो जाए और मैं सामने से भी बोल सकूंगी। तो देखिए आप लोग से बातें करते करते इधर मेरा चिकन कौसा भी हो गया है और कितना सुंदर सा कलर आया है देखिए। मैं जब भी यहाँ पे चिकन बनाती हूँ ना बहुत ही यम्मी बनता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा घर से भी ज्यादा यहाँ पे अच्छा मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने लिए और मामूनी के लिए चिकन कौसा निकाल ली हूँ और घर में रहते हैं दीदा और काकू। दीदा मतलब दादी। तो दीदा चिकन नहीं खाते हैं और काकू घर पे नहीं है, तो इसलिए हम दोनों ही चिकन कौसा खाने वाले हैं। जैसे कि मैं काकी माँ को मामूनी बोल रही हूँ वैसे ही काकू को भी मैं पापी बोलूंगी। तो पापी मतलब होता है फादर, मतलब बाबा पापा ऐसे ही होता है। तो फैमिली ये सब सुनकर आप लोग शायद सोच रहे होंगे मैं अभी से क्यों ये सब बोल रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ, मैं पहले भी शायद एक दो बार बताई हूँ, ये सब बोलने का बहुत बड़ा एक रीजन है, आप लोग बोल सकते हो एक बहुत ही अच्छा रीजन है जो कि मैं आप लोग से छुपाई हूँ, लेकिन मैं अच्छा मौका देखते ही आप लोग को बता दूंगी। तो उधर मैं चिकन कौसा हो जाने के बाद चिकन में पानी दे दी हूँ। तो जब तक चिकन बन रहा है चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को होम टूर दे देती हूँ। अभी तक तो पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है घर, लेकिन जितना भी हुआ है मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखा देती हूँ। जो रोड में दिखाई उधर से हम लोग आते हैं, मतलब उधर ही हम लोग का घर है। तो उधर से आने से देखिए एक छोटा सा गेट दिखने को मिलेगा, गेट खोलकर अंदर आने से देखिए स्टार्टिंग में एक रूम है, यहाँ पे बाइक वगैरह रहता है और देखिए एक लकड़ी का चूल्हा बना हुआ है जहाँ पे काकी माँ और दीदा, ओ सॉरी मामूनी और दीदा खाना बनाते हैं। इस रूम का ही अटैच्ड में देखिए और एक रूम है उस पार में जहाँ पे देखिए लकड़ी वगैरह रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी एक लॉन्ग रूम है। तो इस रूम में मशीन सामान और लकड़ी वगैरह रहता है और इसका दरवाजा
बाहर से है, रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका दरवाजा, और इस दरवाजा में हमेशा ही ताला दिया हुआ रहता है, जब कुछ काम होता है तभी इसको खोलते हैं। तो चलिए अब अंदर का रूम सब दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए बाहर में एक मंदिर है जो कि फिलहाल नया नया बना है, और ये जो मंदिर है यहाँ पे देखिए मंदिर के ऊपर ही एक छोटा सा तुलसी मंदिर है, तुलसी माता का। और यहाँ पे देखिए काली वेदी है, मतलब काली माता का फोटो है। और यहाँ का जो टाइल्स वगैरह है ना साइड में जो लगाया गया है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके ऊपर ही दीवार में देखिए एक बहुत ही सुंदर सा सीनारिंग बना हुआ है। और ये जो बन रहा था ये मैं पहले भी आप लोग को दिखाई थी, अभी देखिए कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी कलर बाकी है, मतलब जो भी सीमेंट का जो भी काम वगैरह है ना वो कंप्लीट हो गया है, कलर बस बाकी है। तो यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण भगवान जी है, और उधर देखिए महादेव भी है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा, अभी से ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा दिख रहा है, कलर हो जाने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। और ऊपर में देखिए तारा माँ का पिक्चर है, और पूरा जो घर है कुछ इस तरह का दिखता है, वो है बालकनी। अभी तक पूरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ है मैं वही आप लोग को दिखाने वाली हूँ। ये जो सामने का पोर्शन है और ऊपर में जितना भी रूम वगैरह है ये सब कुछ नया बना है। और साइड का देखिए ये जो रूम है ये पहले से ही था, तो इसका जो जॉइंट है ना ये देखिए आप लोग को देख के पता चल रहा होगा ये पुराना है और ये नया है। और यहाँ पे देखिए कल है जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पाम कॉल। और उधर देखिए दो दरवाजा दिख रहा है, एक दरवाजा खुला है और एक दरवाजा बंद है। जो दरवाजा खुला है वो है बाथरूम, और जो दरवाजा बंद है उधर नदी का रास्ता है, और रास्ता नहीं है मतलब उधर नदी है। तो वहां से अगर दरवाजा खोलकर अगर देखने जाएंगे तो नदी दिखने को मिलेगा, मैं फिर कभी दिखाऊंगी। अभी चलिए ऊपर चलते हैं और अंदर का जो भी रूम वगैरह है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए इधर से एक गेट है और उधर से भी एक गेट है, वो गेट मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगी। तो इस गेट से अंदर जाने से देखिए सीधा जाकर एक किचन है, और किचन के साइड में ही एक रूम है, जो रूम मैं बाहर से दिखाई, जो रूम मैं बताई ना, तो वो एक बेडरूम है जहाँ पे बापी और मामूनी रहते हैं। और ये जो किचन है यहाँ पे मतलब खाना वगैरह सब यहीं पे बनता है। और एक किचन में दिखाई वहाँ पे जो लकड़ी का चूल्हा है जिसमें, तो अभी किचन का हालात थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है क्योंकि काम चल रहा है, इसीलिए सामान इधर उधर हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक डाइनिंग सा है, और इधर से सीढ़ी स्टार्ट होता है, और एक सीढ़ी उधर से स्टार्ट होता है, रुकिए मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले देखिए इधर एक दरवाजा है, जैसे कि अभी मैं बताई दो दरवाजा है, तो एक जिधर से मैं आई और एक जो दिखा रही हूँ अभी वही। तो ये देखो ये इधर से जाने से और एक सीढ़ी होता है ऊपर जाने का, और इधर जो रूम है ना ये दोनों रूम, यहाँ पे दो रूम है और ये दोनों रूम ही पुराना है। एक रूम में दादी रहते हैं और एक रूम में रीतम और भैया रहते हैं। रीतम लोग दो भाई है, तो रीतम का एक बड़े भैया है जो कि बाहर रहते हैं, रीतम जैसे बाहर रहते हैं ना वैसे वो भी बाहर रहते हैं। तो नीचे का सारा रूम मैं दिखा दी हूँ, चलिए अब ऊपर का रूम दिखाती हूँ। और सबसे टफ काम मेरा अभी होने वाला है ये सीढ़ी तोड़ तोड़ के चढ़ना, मेरा बहुत तकलीफ होता है, मेरा सांस फूलने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जगह है जहाँ पे दादी पूजा करते हैं, लेकिन ये परमानेंट पूजा करने का जगह नहीं है, ये टेम्पोरारी है, क्योंकि अभी इधर उधर काम चल रहा है ना, तो उसके वजह से एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इस रूम में एक बार उस रूम में ऐसे करके पूजा करना पड़ रहा है। तो इसलिए अभी फिलहाल यहाँ पे रखे है, जब सारा कुछ कम्प्लीट हो जाएगा तब शायद पूजा करने का जो जगह है ये ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और पे। तो चलिए ऊपर चलते है, और मैं तो अभी बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ, आप लोग को तो पता चल रहा होगा, अगर मैं उसी टाइम पे बात करती ना तो मैं बात ही नहीं कर पाती, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, जैसे कि मैं बताई पूरा मेरा सांस फूल जाता है, मेरा बातें मुंह से निकलता ही नहीं है। खैर चलिए देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ जैसे तैसे। तो देखिए यहाँ पे भी एक डाइनिंग टाइप का है, और बापी देखिए यहाँ पे एक खाट रखे है, और ये खाट को ऐसे ही रखे है, मतलब जगह नहीं है इसलिए बाद में इसको हटा देंगे काम कंप्लीट हो जाने के बाद। और इधर देखिए लंबाई में दो रूम है, एक रूम है रीतम का, एक रूम है भैया का। तो और साइड में देखिए बालकनी टाइप का है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और स्टार्टिंग का जो रूम है ये है रीतम का। तो चलिए अंदर जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कैसा रूम है। तो ये देखिए रूम कुछ ऐसा दिखता है, एक्चुअली दोनों रूम ही सेम ही है, लेकिन विंडो का थोड़ा इधर उधर है अलग अलग। उस रूम में भी तीन विंडो है, इस रूम में भी तीन विंडो है। तो यहाँ पे देखिए बाहर से दो विंडो है और अंदर से एक विंडो है। और ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं जाल, इससे मछली पकड़ते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नदी है ना रीतम साहब का, एक तालाब भी है, वो बगान के साइड में है, मैं फिर कभी जाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसलिए बापी ये जाल खरीद के रखे है मछली पकड़ने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं भैया के रूम में। तो भैया का रूम और रीतम का रूम का कुछ अंतर नहीं है, सेम ही है जो भी है, लेकिन इसका जो विंडो है ना जैसे कि मैं बता रही थी, इसका विंडो मतलब तीनों विंडो साइड में ही है, बाहर के साइड में। और ये देखो ये जो सीढ़ी मैं अभी दिखा रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में एक सीढ़ी दिखाई थी आप लोग को, दिखाई नहीं थी मतलब बताई थी कि अंदर से भी एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो देखिए वो यही सीढ़ी है, ये सीढ़ी बहुत पुराना जमाना का है, मतलब मेरे जो दादा ससुर थे उनका जमाना का है, उन्होंने ही बनाए थे, तो इसलिए सीढ़ी थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, मतलब पतला सा है, और इसमें चढ़ने से ना बहुत डर लगता है, मतलब बहुत ये खारा खारा टाइप का है,
अब खड़ा खड़ा को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब ऊंचाई ऊंचाई है इसका सीढ़ी। और अभी देखिए इधर एक दरवाजा दिख रहा होगा, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलिए भैया के रूम में जाते हैं। तो ये देखिए ये है भैया का रूम, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस खिड़की वगैरह और दरवाजा लगाना बाकी है और कलर होना बाकी है। और ये देखिए रूम बहुत ही सुंदर सा है, जैसे पहले रूम दिखाई रीतम का तो ऐसे ही ये भी रूम सुंदर सा है। और इस रूम में देखिए बहुत सारा टीवी रखा हुआ है। एक्चुअली मेरा जो बापी है ना, मतलब जो ससुर जी है, तो उनका टीवी का दुकान है, टीवी सेल भी करते है और रिपेयर भी करते है, तो इसीलिए घर में ऐसे टीवी रखा हुआ रहता है। नीचे फ्रिज भी रखा हुआ है, मतलब जो भी रिपेयर करने के लिए लाते हैं ना तो उसको घर में रख देते हैं, फिर घर से रिपेयर करके फिर जिनका रहता है उनको फिर दे देते हैं, ऐसे ही काम चलता है। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता था मैं आप लोग को बताई। तो चलिए अब बताते हैं क्या चीज का वो दरवाजा है। तो उधर जो दरवाजा है ना, उधर कुछ नहीं है, उधर बस एक छोटा सा जगह है, तो उसका नीचे एक रूम है, मतलब मेरा जो छोटो काकी माँ है, मतलब क्या बोलते उसको, हाँ काकी सास जो है मेरा, तो उनका ही वो रूम है। तो वो लोग तो वहाँ पे रहते हैं, तो उसके ऊपर तो हम लोग घर नहीं बना सकते हैं, मतलब रीतम लोग नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए इस साइड में घर बनाए हैं और उधर का जो भी पोर्शन है उसको छोड़ दिए हैं और एक दरवाजा बैठा दिए हैं। और जो नदी के बारे में मैं बात कर रही थी, देखिए यहाँ से भी दिखता है, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम में बैठने से बहुत ही मस्त मस्त हवा आएगा। तो चलिए उधर जाते हैं और उधर क्या क्या है वो आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ का देखिए पूरा सीढ़ी, मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा सीढ़ी में देखिए रेलिंग नहीं है, मतलब जो ग्रिल होता है ना वही, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मुझे चढ़ने में उतरने में बहुत ज्यादा डर लगता है, लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, ऐसे ही मुझे फील आता है। और ये जो सीढ़ी ऊपर जा रहा है ये ऊपर छत में जा रहा है, तो मैं बाद में छत पे जाऊंगी, उससे पहले चलिए यहाँ का बैल्कनी और बाथरूम वगैरह मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है बैल्कनी, बहुत ही छोटा सा पतला सा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है और बैठने का जगह भी है देखिए। और बैल्कनी का साइड में शायद ग्रिल बैठाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता, क्योंकि ये खुला खुला है ना, तो इसलिए मैं सोची शायद ग्रिल बैठाएंगे। और बैल्कनी से निकल के जिस साइड से छत जाते हैं उसका ऑपोजिट साइड में देखिए है बाथरूम। तो बाथरूम देखिए कुछ इस तरह का है, लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा सा कमी है, एक्चुअली स्पेस नहीं था ना ज्यादा, तो इसलिए ऐसा बना है, लेकिन ठीक ठाक ही है, बहुत ही खूबसूरत सा है। अब चलिए छत पे जाते हैं, मैं तो सोची थी छत पे नहीं जाऊंगी लेकिन जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो चलिए छत भी आप लोग को दिखा देते हैं। छत पे आने से पहले तो देखिए ये शेड दिखने को मिलेगा, यहाँ पे एक शेड बनाया गया है, एक्चुअली खेती बाड़ी होता है ना तो इसलिए सामान रखने के लिए ये बनाया गया है। और इस साइड में एक दरवाजा है, पता नहीं किस चीज का दरवाजा है और यहाँ पे क्या बनने वाला है फिलहाल तो मुझे नहीं पता। और यहाँ से नीचे जब आप लोग देखोगे ना तो देखिए पूरा खाली नीचे, मतलब जो आंगन है ना वही दिखेगा, तो इधर तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है ऊपर से ऐसे देखने में। तो चलिए ऊपर का छत में अच्छे से घुमा के आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखो फैमिली ऊपर का छत कुछ इस तरह का दिखता है, और ऊपर में भी देखिए और एक छत है, ये जो छत है ना ये यहाँ का जो शेड अभी दिखाई तो उसका ही छत है। और उधर देखिए पूरा खाली माठ है, जो कि बहुत ही एक बड़ा सा माठ है जहाँ पे चासवास होता है। और मैं पहले भी आप लोग को बताई हूँ ये जो माठ है और हम लोग का माठ सेम ही है, मतलब इस माठ का उस साइड में हम लोग का घर है, देखने में लग रहा है नजदीक है लेकिन नजदीक नहीं, थोड़ा दूर में ही है। तो यहाँ पे होता है होम टूर कम्प्लीट, चलिए हम नीचे चलते हैं। मैं सब्जी चढ़ा के आई हूँ गैस में और मैं मामूनी को बोली भी नहीं हूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी जाकर देखते हैं नहीं तो फिर सब्जी जल जाएगा। और अभी तो जितना मेरे से हो सका मैं उतना आप लोग के साथ शेयर की, बाद में पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद और सोशली जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी तब मैं अच्छे से आप लोग को फिर से एक बार होम टूर दे दूंगी। तो ये देखिए सब्जी ठीक ठाक ही बन गया है, अगर मैं थोड़ा सा लेट करती तो ये पानी थोड़ा सा सूख जाता, तो इतना ही ग्रेवी मुझे रखना है क्योंकि हम लोग चावल के साथ खाएंगे इसीलिए। तो चलिए सब्जी उतार लेते हैं उसके बाद खाना खाने बैठेंगे। तो देखिए हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, हम लोग मतलब हम दीदा और मामूनी, बापी थोड़ा सा काम से बाहर गए हैं तो इसलिए अभी नहीं आए हैं, तो हम तीनों ही खाना खाने वाले हैं, बाद में जब बापी आएंगे तब बापी खाना खा लेंगे। और देखिए दीदा अच्छे से मेरा थाल सजा कर दिए है, यहाँ पे देखिए है चावल साथ में इलिस माछ पुई सागे तरकारी और चिकन कौसा, और साइड में देखिए रखा हुआ है इलिस माछ का तेल। जब मामूनी इलिस माछ बना रहे थे मैं आप लोग को बता रही थी ना फैमिली, मछली का जो तेल होता है वो थोड़ा सा साइड करके रखे है, तो देखिए अभी खाने के लिए साइड करके रखे थे। गरम चावल के साथ ये जो तेल होता ना इसको खाने में बहुत यम्मी लगता है। बाय द वे ये मछली का तेल के साथ चावल मैं फर्स्ट टाइम खाई और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मन तो कर रहा था सारा तेल मैं अकेले ही खा जाऊं चावल के साथ। और मैं कल से डाइटिंग स्टार्ट की हूँ, आप लोग को तो मिनी ब्लॉग में मैं शेयर की थी दिखाई थी, लेकिन आज देखिए मैं आज आ गई हूँ इतना सारा खाना खाने, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा कम कम खाना खाने का। और पुई साग का जो सब्जी था वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, बहुत यमी था, मैं पहले भी आप लोग को बताई मुझे बहुत अच्छा लगता है पुई साग खाना। और चिकन कौसा तो मैं खुद बनाई थी तो अच्छा ही बना था। मैं दोपहर का खाना खा के 4:30 बजे घर आने का सोची थी, लेकिन बापी घर आए थोड़ा सा लेट से ही, 5:30 बज गया था, तो इसलिए मामूनी बोले रात का खाना खाकर एक ही बार घर जाने के लिए, तो इसीलिए देखिए मैं सबके लिए पूरी बनाई। पहले तो आटा गूंद के पूरी बेल ली थी, उसके बाद एक एक करके मैं फ्राई कर रही थी,
और यहाँ पे देखिए तेल गरम हुआ ही नहीं था और मैं छोड़ दी थी एक पूरी, और मैं सोच रही थी मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा क्या, मैं मतलब घर में मैं जब भी बनाती हूँ पूरी, सब पूरी मेरे से फूलता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फूलेगा ही नहीं और सब क्या बोलेंगे, कैसा होगा कैसा नहीं, तो बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था। लेकिन बाद में देखिए जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था उसके बाद देखिए सारा पूरी अच्छे से फूल रहा था। तो यहाँ पे देखिए पूरी बन गया है और हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। दोपहर का चिकन मेरा बच गया था तो इसलिए मैं ढक के रख दी थी, तो वही चिकन के साथ देखिए मैं पूरी खाई। जैसे कि दूसरों का झूठा खाना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक ऐसे ही मेरा भी झूठा खाना किसी और को देना अच्छा नहीं लगता है, और खाना वेस्ट करना भी मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं अपना खाना ऐसे ही ढक के रख देती हूँ। मैं घर में भी ऐसे ही करती हूँ और बाद में मैं खुद ही खा लेती हूँ। और जैसे कि मैं बताई थी दीदा चिकन नहीं खाते हैं, तो इसलिए देखिए दीदा पूरी खा रहे हैं साग के साथ, जो पूरी साग मामूनी बनाए थे। तो रात का खाना खा के 9:30 बजे मैं घर आ गई थी बापी के साथ। तो चलिए फैमिली आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं। होम टूर कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।